हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूं तो फिर यहां पर हूं मैं चेस्कुना कॉर्पेट्स में। तो इस बार भी बहुत सारे नए स्टॉक आए हैं, तो हम नया अपडेट लेने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ गांधी सर हैं। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हो? आपका व्यूअर्स कैसे है? सब ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया है। तो इस बार आप क्या दिखाने वाले व्यूअर्स को? आज कुछ नया आपके पास स्टॉक आया, मुझे कॉल मिला, कॉल आया कि गांधी सर का कि नया स्टॉक आया है, आप व्यूअर्स को दिखाने के लिए आ जाओ। तो इस बार बहुत सी वेराइटीज़ न्यू बेटा फीचर्स आए हैं जो एक्जॉटिक होती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, चेस्कुइन ऑकोपेट जो है क्वालिटी में बहुत फेमस है बैंगलोर के अंदर। इनके पास जो क्वालिटी फीचर्स मिलती है, स्पेशली बेटा फीचर्स, फ्लोहन, आरोहना, शायद ही बैंगलोर में कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशली तीन चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ। तो और कुछ बोलो रवि सर, हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए। आपका व्यूअर्स तो हमारा बेटास को बहुत दिनों से बहुत प्यार दे रहा है। हमारा स्टोर से ज़्यादा आपका कस्टमर्स बेटास के लिए इंक्वायर करते हैं, उनको हमारा बेटा ज़्यादा पसंद है। शायद आपके वजह से उनको हमारा बेटा पसंद हो गया। तो अभी ज़्यादा वेराइटीज बेटा लेकर आए हैं, दिखा देंगे आपको। तो एक्चुअली आपके पास जो बेटास आते हैं, ओरिजिन कहाँ से आते हैं? सर, बेटास एक्चुअली थाईलैंड से मंगवाते हैं, 100% पूरा। हाँ, 100% थाईलैंड। आप क्वालिटी आप ये लेकर किधर भी चेक कर सकते हो, किधर भी एंक्योर कर सकते हो। ये जो क्वालिटी दे रहा हूँ, इससे ऊपर और कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ये थाईलैंड से आया हुआ है, इससे अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा, वो तो मेरा गारंटी है। बहुत सारे कस्टमर के साथ एनकाउंटर होता है, मतलब मिलते हैं तो बात करते हैं कि चेस्कुइन ऑकोपेट्स का थोड़ा प्राइस। तो मैं उनको बता दूं कि जो चेन्नई का बेटा मिलता है आपको 40-50 रुपीज़ में, वो बेटा अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी, अभी यहाँ पर फीचर्स आई हुई है, बेटा फीचर्स। इस बार कितने हैं टोटल आपके पास? इस बार टोटल 280 है सर, फीमेल को मिला के 280 पीसेस आए हैं। मैं इधर क्या किया, आपको वैरायटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया, आपको दिखाने के लिए, आपका व्यूअर्स के लिए इसे डिवाइड करके रखा हूँ, ये आसान हो उनको समझने में, बेटास में क्या क्या वैरायटी है वो समझने में आसान होगा। ये पहले जो है ये कैंडी बेटास है, कैंडीज है। आजकल कैंडी में बहुत सारी वैरायटी आने लगे हैं ना? हाँ, कैंडी में आजकल अभी जनरली फॉरेन में कैंडीज फेमस थे, लेकिन इंडिया में अभी अभी फेमस हो रहा है। ये देख सकते हैं कलर इसका ऊपर जो है, अच्छा ये भी कैंडी बेटा है। हाँ, ये कैंडी बेटा है सर। तो ये आज ही आए हुए हैं, तो अभी अनपैकिंग हो रही थी, तो थोड़े बहुत अनपैकिंग हुए, अभी थोड़े बाकी हैं। तो हम लोग जो वेराइटी है वो अलग अलग रख के हम उसको कवर कर रहे हैं। ये कौन सी है? ये क्राउन टेल बेटा है सर, आपको इसमें दिखेगा शायद क्राउन टेल बेटा, क्योंकि क्राउन टेल देखिए थोड़ा डिफरेंस है, जो आपको नॉर्मल स्टोर में मिलती है उससे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कलर देख सकते हो आप डायरेक्टली जो देखें, कस्टमर्स जो बेटा लावर्स हैं उनको तो ये हमारा दुकान बहुत पसंद है, क्योंकि वी गिव जेन्युइन बेटास इम्पोर्टेड वाले। कस्टमर्स को जिनको नॉलेज है वो रेट के बारे में एक बात भी नहीं बोलते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। चेन्नई का जो लोकल ब्रीड्स होते हैं उतना अच्छा कलर्स नहीं आते, इतना ये फैंसी बेटास है, अभी जो देख रहे हैं आप ये फैंसी बेटास है। तो अभी हम जो यहाँ पर बेटा देख रहे हैं तो उसके प्राइसेस भी अगर आप शेयर कर दे तो अच्छा रहेगा व्यूअर्स के साथ। हाँ, जो कैंडीज आप देख रहे हैं वो 500 का है। जो कैंडी आप देख रहे हैं ये 500 रुपीज़ का कैंडीज है, और क्राउन टेल आपको 280 का पड़ रहा है। 280 रुपीज़, पहले 250 ही था, अभी 280 हो गया है। और फैंसी बीटाज आपको 300 में आएगा। फैंसीज सिंपल मल्टीपल कलर्स आते हैं इसमें। फैंसी का यही आप कैसे पहचान सकते हैं, फैंसीज उसका कलर देख के, मल्टीपल कलर्स उसमें रहेगा, देखने में ही आपको पता चल जाएगा। आप ये देख सकते हैं इसका कलर, 3-4 कलर है इस पर, बहुत फैंसी है। और ये कौन सी जो यहाँ पर थोड़ा ब्लू वाइट कलर है? हाँ, ये भी फैंसी है, मल्टीपल कलर्स जो आते हैं वो अट्रैक्टिव है। हाँ सर, और बाद में आप देख सकते हैं ये डम्बो ईयर्स। और ये कितना प्राइस है पर डम्बो ईयर्स? 450 रुपीज़ है, क्योंकि अभी आई है फिशेस, आज ही हमने अभी अनपैकिंग कर रहे थे, जब मैं दुकान के अंदर एंटर हुआ था तो अभी अनपैकिंग करके डाल रहे थे, तो अभी भी इतना अच्छा कलर दिखा रही है, तो और एक हफ्ता जाएगा तो और भी अच्छा कलर दिखाएगी। नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन में फिशेस जो है स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेस है तब भी इतना अच्छा कलर आ रहा है और इतनी क्वालिटी है। अगर एक हफ्ता इसके ऊपर गुजर जाएगा तो और भी अच्छा कलर आएगा, और भी अच्छी इनकी ब्रीड पर फिन जो है खुल के दिखेंगे। और ये गेंट प्लकार्ड्स हैं,
जनरली गेंट बेटास का बॉडी अच्छा रहता है, बॉडी साइज बड़ा होता है और लाइफ स्पैन रेगुलर बेटा से ज़्यादा रहता है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं गेंट बेटास। तो ये कितने में आता है? गेंट बेटास भी आपको 500 में पड़ेगा। और ये जो ब्लैक एंड वाइट है पीछे यहाँ पे, हाँ वो भी गेंट है सर, ये सब गेंट है। ये काफ़ी अच्छी लग रही है, देखें यहाँ पर ब्लैक और वाइट, ग्रे वाइट भी बोल सकते हो, थोड़ी यूनिक कलर लग रही है। तो कलरेशन देख सकते हैं यहाँ पर फिशेस का काफ़ी अच्छा है बेटा फिशेस। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की बेटा फिशेस चाहिए तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ बेटा फिशेस के लिए चेस्किन ऑफ पेट्स। बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने भेजा भी है, दिल्ली है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह इन्होंने भेजा है, वाया कार्गो भेज देते हैं और आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाती है बेटा फिशेस। और फीमेल है आपके पास? हाँ सर, फीमेल अभी आपका व्यूअर्स लास्ट टाइम पूछे थे स्टॉक नहीं था, अभी उनके लिए ऑलरेडी पैक करके शिफ्ट होने के लिए रेडी है। अभी कहाँ जा रहा है ये? ये दिल्ली जा रहा है सर। अच्छा, देखिए यहाँ पर फीमेल्स हैं, कौन सी फीमेल्स हैं ये? सर ये भी इम्पोर्टेड फीमेल्स हैं, हाफ मून फीमेल्स, आपको प्लकार्ड्स साइज में प्लकार्ड जैसे रहेंगे। हाँ। फीमेल्स आपको ऐसे ही साइज, आई मीन इनका बड़ा फिंस नहीं आता है, फीमेल और मेल में यही फ़र्क है। हाँ। कि फिंस बड़ा नहीं आता है फीमेल को, मेल को आता है। अच्छा, अभी ये फीमेल कितने पर पीस जा रही है यहाँ पे फिशेस? पर फिश आपको फीमेल 250 है, ये अच्छी क्वालिटी फीमेल है। अच्छा, ये अभी ब्रीडिंग के लायक है, वेट करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सब रेडी टू ब्रीड है, जो भी फीमेल्स है एक क्या रेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी एक्स हैं? एक्स है, आपको स्टमक बल्ज दिखेगा थोड़ा और नीचे एक पॉइंट दिखेगा। हाँ, शायद कवर में नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है, कैमरा में नहीं दिखेगा शायद। हाँ, थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है कल भी, तो एक पॉइंट देख सकते हैं जो इधर दिख रहा है, व्यूअर्स को शायद नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, उसमें फीमेल जो अंडे कैरी करके रहते हैं वैसे फीमेल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इस फीमेल को जाकर नए मेल के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो मेल उसको सपोर्ट करेगा ब्रीड करने के लिए? सर जनरली ये एक टिप समझिए, अगर आप ब्रीड करना चाहते हैं तो बेटास को यू शुड ऑलवेज सेलेक्ट यंग कपल्स, ओल्ड वाला कपल नहीं लेना चाहिए। अगर नॉर्मल हाफ मून इस साइज का रहेगा तो ये अनफिट है ब्रीडिंग के लिए। वो यंग कपल, ओनली यंग बेटा, यंग मेल, यंग फीमेल कैन ब्रीड। ओल्ड मेल उतना ब्रीड नहीं, अच्छे से ब्रीड नहीं करता है, बच्चे को अच्छे से देखभाल नहीं करता है, वो फीमेल को मार देगा। हाँ। तो अगर आप ब्रीड करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग अच्छा मेल लो, रखो, वो मेल बबल नेस्ट बनाएगा। बबल नेस्ट बनाने के बाद, अच्छे से बबल नेस्ट बनाने के बाद फीमेल को उसके साथ इंट्रोड्यूस करो, फीमेल भी रेडी रहेगा उस टाइम पे और मेल भी रेडी रहेगा। मेल जब रेडी होता है उसका बबल नेस्ट अच्छे से बनने के बाद ही मेल रेडी होगा। सिंपल लॉजिक, वो अंडा लेके बबल नेस्ट में रखेगा एक्चुअली। अच्छा, तो बबल नेस्ट ही रेडी नहीं है तो ये किधर जाके रखेगा अंडा फीमेल के पास अंडा लेके? तो देखिए, यंग मेल लीजिए, यंग फीमेल लीजिए, अच्छे से ब्रीड होगा। तो इस बार काफ़ी वेराइटीज़ के मेल फीमेल बेटा है यहाँ पर, हमने सिंपल अभी 3-4 पीस हमने यहाँ पर अलग अलग एक वेराइटी के लेकर रखे हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा था, हम लोग सोचे पूरे दिखाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत लेके हम कर लें। अभी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जो अभी भी उन्होंने यहाँ पर भी थोड़े रखे हुए हैं, इधर भी हाफ मून है, सब अनपैक होना है, टाइम लगेगा शायद। सर तो बहुत दूर से आ रहे हैं हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए, टाइम लगेगा। तो अभी इस बार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए टैंक्स भी आए हुए इस बार, छोटे देखिए यहाँ पर बड़े साइज के हैं और छोटे साइज के हैं, तो बहुत सारे टैंक्स भी इस बार लेके आए हैं आप, कौन से टैंक्स हैं अभी ये? ये आरएस इलेक्ट्रिकल का है, हमारे पास अभी 3 ब्रांड का एक्वेरियम्स है। सो ये आरएस इलेक्ट्रिकल का और हमारे पास ब्लू पेट्स का है, हमारे पास जीवो का है, तो जीवो एक्वेरियम्स है, उसका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, स्पेयर पार्ट्स सब अच्छे मिलते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं लेकिन हम यही ब्रांड्स को ट्रस्ट करते हैं जिसका क्वालिटी अच्छा है, कस्टमर हमारा बीच ये एक्वेरियम्स ही है। अच्छा। एक्वेरियम रहेगा तो मछली रहेगा, तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी का एक्वेरियम दे रहे हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग वहाँ पर छोटे वो कितने से स्टार्ट होते हैं? सर वो जीवो ब्रांड का आपको 24 में पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये फुल सेट कितने में आता है? सर ये आपको 8800 में आएगा, कैबिनेट आएगा, टैंक आएगा, लाइट आएगा और फिल्टर आएगा, इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। सारे डर्ट इधर एक स्पॉन्ज रहेगा उसके अंदर आके बैठ जाएगा, क्लीनिंग बहुत इजी है। और आप इसी साइज में आपको दूसरा ब्रांड दिखा सकते हैं, ये ब्लू पेट्स का है, इधर ऊपर आपको खाना डालने का ट्रे ओपन क्लोज आएगा इधर,
ये क्लोज होता है, क्लोज ओपन कर सकते हैं। और सेम इसका जो है स्पॉन्ज देख सकते हैं, ये ट्रे निकाल सकते हैं एक्चुअली। अच्छा हां, वॉश करके दोबारा वापस रख सकते हैं। इजी टू वॉश, इजी टू मेंटेन। ये कितना इसका साइज कितना है एक्वेरियम का? ये 2 फीट, नियरली 2 फीट है सर। अच्छा, कितने में आता है ये सेट? ये सेट आपको 5000 में आएगा। और जो छोटा वाला इस बाजू में हो, ये स्टार्टिंग रेंज है, स्टार्टिंग साइज है, ये भी आपको 2200 पे पड़ेगा। तो इस बार काफ़ी अच्छे टैंक्स और बेटर फीचर्स आए हुए हैं, और हैमस्टर्स भी हैं यहाँ पर। हैमस्टर्स की वैरायटीज, हैमस्टर्स में अभी कौन से आपके पास? हैमस्टर्स अभी सीरियन हैमस्टर्स ही रखते हैं, जनरली हम सीरियन ही देते हैं क्योंकि ड्वार्फ उतना हैंडल नहीं कर सकते कस्टमर। सीरियन हैमस्टर्स को हम हाथ में ले सकते हैं, खेल सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं अभी। तो ये कितने पेयर है अभी? ये 1200 पेयर आएगा आपको। हमारे पास ब्रीडिंग पेयर्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हेडजॉग भी है, हेडजॉग कौन से अभी आपके पास? हेडजॉग हमारे पास ये सॉल्ट पेपर वैरायटी है, और नॉर्मल हेडजॉग भी है, अल्बिनो हेडजॉग भी है। आप जनरली मार्केट में अभी 22,000-25,000 का ब्रीडिंग पेयर चल रहा है, हमारे पास आपको 20,000 में पेयर मिल जाएगा ब्रीडिंग पेयर। अच्छा, तो कस्टमर्स ले सकते हैं ऑलरेडी, अच्छे अच्छे ब्रीडिंग पेयर हैं, 1.5 ईयर ओल्ड का पेयर है ये सब। तो आपको ब्रीडिंग करने के लिए परफेक्ट एज है इनका, और अच्छे अच्छे बच्चे भी देते हैं। सो इट्स अ परफेक्ट एज टू ब्रीड, यंग एज में ब्रीड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी ये यंग नहीं है, 1.5 ईयर ओल्ड वाला पेयर है, अच्छा है ब्रीड के लिए। और इस तरह यहाँ पर बेटास हमने देख लिया, यहाँ पर काफ़ी सारे बेटास वेराइटी यहाँ पर भी। और एक बार आपको दिखा दो, कलर्स देखिए, रेड कलर में है, ब्लू है, और मिक्स कलर में है, लाइट ब्लू है, अलग अलग कलर्स में वैरायटी भी हैं। अगर वैरायटी की जानकारी चाहिए तो हाँ, ये रेगुलर हाफ मून्स आपको 250 पड़ेगा। अच्छा, सारे के सारे इम्पोर्टेड है आपके पास, है ना? हाँ, 100% इम्पोर्टेड। और डेकोरेशन आइटम भी है, डेकोरेशन में काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये इसके अंदर मछली जाके बाहर आता है, और इसके अंदर भी इधर नीचे से जाएगा, ऊपर हाइडिंग प्लेस की तरह हो जाएगा। अगर मोलीज गपीज ब्रीड कर रहे हैं तो इस टाइप की ये आपको अच्छा रहेगा। इसने देखिए इस साइड जाएगा, इस साइड से बाहर आएगा, ये दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। अब जब मछली इसके अंदर जा रहा है आ रहा है तो देखिए इस साइड से जाएगा, इधर ऊपर आएगा, प्ले जैसा हो जाएगा। हाँ, उनको खेलने हमें देखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है। और ये इधर एयर पाइप कनेक्ट होगा, और ये रोटेट होता रहता है जनरली, ये रोटेट होता रहता है। तो स्टार्टिंग क्या डेकोरेशन का प्राइस है आपके पास? अगर ये छोटा वाला बात करें तो ये छोटा वाला आपको 220 पड़ेगा, स्टार्टिंग रेंज आपको 220 और इसके कलर कुछ फेड होते हैं पानी में डालने के बाद? नहीं नहीं नहीं, ये स्पेशली मेड फॉर, आप देख सकते हैं इसका ब्रांडेड आइटम्स है, ये सब ब्रांडेड आइटम्स है। ये देखिए बोयो ब्रांड का है, सबको बोयो तो पता है सबको, ये बोयो ब्रांड का है, ब्रांडेड आइटम्स। ये कलर नहीं जाता है, केमिकल रिलीज नहीं होता है, फिश सेफ है बेसिकली। आप फिश को कुछ नहीं होगा इसके वजह से, फिश को केमिकल कुछ रिलीज नहीं होता है, 100% मछलियों को प्रॉब्लम नहीं होगा इसके वजह से, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर अभी बर्ड्स हैं, हम बर्ड्स कवर करेंगे, काफ़ी सारे हैंड फीडिंग चिक्स हैं और कन्यूर्स हैं, सारे बर्ड्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी बर्ड्स हैं, बर्ड्स में कौन से अभी आपके पास? हमारे पास कॉकटेल्स हैं, कॉन्यूर्स हैं, ये सब टेम्ड बर्ड्स हैं। ये पर्ल कॉन्यूर है, बहुत कम मिलता है ऐसा, ये अच्छा बहुत रेयर है, लुटिनो पर्ल, 100% टेम्ड बर्ड्स हैं। हाँ, देख सकते हो ये मसाज करने वाले का हमारे पास अच्छे से खेलता है। तो ये इसका कितने में आता है पर? सर जनरली लुटिनो कॉकटेल आपको 3,500 आएगा, ग्रे कॉकटेल आपको 3,000 में आएगा, पर्ल कॉकटेल रेयर म्यूटेशन आपको 4,500, ये 4,500 है, और ये भी 4,500 है। उसकी क्या स्पेशलिटी है? ये कलर देख सकते हैं, ये मिलना, इस कलर मिलना बहुत रेयर है थोड़ा। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है, ये कौन सा म्यूटेशन है? ये लुटिनो पाइड है। नॉर्मल भी हैं आपके पास? हाँ, ग्रे स्टार्टिंग रेंज जो है, और साथ में कोई कॉन्यूर भी है ना यहाँ पे? हाँ, कॉन्यूर भी है, ये जो ग्रे जो है। हाँ, ये नॉर्मल है ना? हाँ, नॉर्मल है। ये कितने में आएगा बर्ड? ये आपको 3,200 में आएगा।
तो काफ़ी एक्टिव है, जैसे पूरे हेल्थी हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कन्यूर्स हैं, कन्यूर्स देखेंगे कौन से कन्यूर हैं अभी आपके पास। हमारे पास पाइनएप्पल कन्यूर्स हैं, ये सारे पाइनएप्पल कन्यूर्स हैं। ये आपको 9000 में पड़ेगा, फुली टेम्ड है, अच्छे से टेम्ड बर्ड्स है ये सब। हम ये बच्चे से, बहुत छोटे बच्चे से हैंड फीड करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम वीडियो की थी, उसमें थे क्या ये? हाँ, उसमें भी थे, लेकिन ये नहीं थे, वो दूसरे थे। शायद ये उस टाइम पे बच्चे थे, हैंड फीड कर रहे थे शायद। तो ये फ्री फ्लाइट है क्या, बाहर फ्लाइट करेंगे? फ्री फ्लाइट है, तो आराम से हमारे पास आता है, खेलता है, हमारे हाथ में खाना खाता है और हमें बुलाता है। अभी देखिए हमारे पास आ गया वापस से। सर, बर्ड्स और डॉग्स दोनों एक ही जैसा है सर, शायद मेरा एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ। एक कस्टमर था जो मैसूर से बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था, उसके काम ऑफिस शिफ्ट हो गया, तो वो उधर से इधर आ गया, बर्ड को उसके फ्रेंड के घर पे दे दिया। वो जितना एक्टिव था इनके घर पे, उतना एक्टिव उनके फ्रेंड के घर पे नहीं थे, बहुत कम खा रहा था। उस फ्रेंड को पता चल रहा था कि ये मिस कर रहा है कुछ, इजीली पता चल रहा था। उतना अच्छे से खाना नहीं खा रहा था, उतना अच्छे से खेल रहा नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, वापस थोड़े दिन के बाद ये फ्रेंड उसको, उनका जो ओनर है, ओरिजिनल ओनर, उनको फ़ोन किया और वो वापस मैसूर आए। और ये बर्ड जब वो लेकर आए वापस, वो उनको देखते ही वो चिल्लाने लगा और उनके पास गया। जितना एक्टिव उस दिन वो बना, कस्टमर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो बोल रहे इतना एक्टिव मैं उसको कभी नहीं देखा। और अच्छे से खा लिया उस दिन, बर्ड में उतना हैप्पीनेस था। और ऐसा केस भी है, ऐसा एक और एक स्टोरी है जहाँ मेरा कस्टमर ही है, आपके व्यूअर ही है, इधर से बर्ड लेके गए। उनके घर में बेटा और मम्मी दो, सिर्फ दो और रहते हैं और कोई नहीं रहता है। तो ये बर्ड लेके गए और इन दोनों को छोड़ के कोई और नहीं रहता है घर पे। अगर कोई और आया उनके पास नहीं जाता है ये बर्ड, सिर्फ इन दोनों के साथ ही रहता है, इन दोनों के पास में ही रहता है, किसी और के पास नहीं जाता है। सेम एज डॉग्स, बहुत लॉयल है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्लेफुल है बर्ड्स, शैतान है ये लोग। तो और यहाँ पर दूसरे बर्ड्स भी हैं, ये कौन से हैं? ये सब कॉनियर्स हैं सर। हाँ, सब टेम्ड कॉनियर्स हैं, देख रहे हैं ना, अब वही बाहर आएंगे अभी हमारे पास खेलते। कैमरा को देखे थोड़ा डर रहे हैं, अभी आ जाएंगे वही बाहर। ये भी कौन से हैं? पाइनएप्पल कॉनियर है, ये भी पाइनएप्पल कॉनियर्स हैं, सब पाइनएप्पल कॉनियर्स। तो ये कितना पर कॉनियर का है? ये 9000 रुपीज़ में पड़ेगा आपको एक पीस। पाइनएप्पल कॉनियर्स हमारे पास सेम प्राइस है सर, पहले से अभी तक वही प्राइस है। हैंड फीड करते से अच्छे से, बहुत एक्टिव है और बहुत स्मार्ट है। हमारे पास जो भी कॉनियर्स हैं वो बहुत स्मार्ट रहते हैं, हमारे पास आते हैं, खाते हैं और वापस चले जाते हैं जब जाना चाहते हैं। तो देखिए अभी खेल रहे मेरे सर, बुला रहा है मुझे, लेकिन हाँ नहीं लेता हूँ। देखिए हमारे साथ बात कर रहा है वो, तो अभी यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, लव बर्ड्स हैं, बर्जिस हैं और अफ्रीकन बर्ड्स हैं, तो वो भी हम इसमें कवर करते हैं। तो अभी कौन से हैं आपके सर यहाँ पर? ये बर्जिस है सर, लव बर्ड, जो नॉर्मल बर्जिस है। बर्जिस क्या प्राइस है अभी आपके पास? सर ये अडल्ट बर्जिस है, 750 पेयर है। जनरली हाँ, आपको दूसरी जगह सेमी अडल्ट मिलते हैं, ये सब होम ब्रीड्स हैं। कलर देख सकते हो, हेल्थ देख सकते हो, साइज भी देख सकते हो। 750 पेयर चल रहा है, 650 करके देंगे आपका व्यूअर्स के लिए। अच्छा, पूरे अडल्ट हैं, 650 रुपीज़ का पेयर है, अब ले जाकर ब्रीड करवा सकते हैं। हाँ, सारे के सारे जो है ऑलरेडी वन टाइम टू टाइम ब्रीड कर रहा है ये पेयर सब। अच्छा, और तो यहाँ पर लव अफ्रीकन लव बर्ड्स भी हैं। अभी कौन कौन से बर्ड्स आपके पास? सर ये लुटिनो फिशर है, ग्रीन फिशर है, ब्लू फिशर है, वायलेट फिशर है। हाँ, और टर्कोसिन है, बहुत सारे वेराइटीज़ है लव बर्ड्स में। ये सब सारे के सारे ब्रीडिंग पेयर्स है, 2 ईयर्स ओल्ड पेयर्स है, ये सब ब्रीड करते हैं। अब इसका पर पेयर कितने में आता है ये? आपको 3800 से 4800 तक है सर पेयर। अच्छा, तो ये भी सारे अडल्ट हैं? सब अडल्ट है, सब ब्रीडिंग पेयर्स है। आप देख सकते हो वो कलर के हिसाब से बैठे हैं, वो सब पेयर्स हैं, वो पेयर उसके साथ में बैठ रहा है। अब ग्रीन देख सकते हो इधर,
पैर पैर में बैठा है, रेड फेस और ग्रीन फेस जो है वो उनके पैर के साथ ही बैठा है, सब ब्रीडिंग पैर था। तो यहाँ पर देखिए भी बहुत सारे यहाँ पर प्लैनेट टैंक भी नए से हुए हुए हैं और सारा सेटअप बनाया है इन्होंने, पूरा सेटअप यहाँ पर ये सेल के लिए होता है। अगर ये अगर आपको पसंद आता है तो सारा का सारा आप ले जा सकते हैं, घर में ले जाकर सिर्फ पानी चेंज करके आपको फीचर डाल देना है, ऐसा नहीं कि पूरा घर पर ले जाकर आप अलग से बनाओ, तो पूरा रेडी मिल रहा है। तो सर इसका शॉर्ट में हमको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में इसके बारे में बता दें तो सर, प्लांट अक्वेरियम में बहुत आसान मेंटेनेंस है। नॉर्मल अक्वेरियम में आप अंदर पूरा साफ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम है। इसमें सिर्फ आपका मंथली वंस, दूसरे लोगों का वीकली वंस करना पड़ता है। जो सेटअप मैं देता हूँ मंथली वंस, आप आधा पानी निकाल के, आधा पानी निकालना है और आधा पानी डालना है, नया पानी, बस इतना ही आपका काम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाइप आता है साइफन पाइप, साइफन पाइप से आप आधा पानी निकाल सकते हैं और आधा पानी भर सकते हो। ये नया सेटअप है जो बनाया 1 वीक हुआ, देख सकते हैं अच्छे से प्लांट्स ग्रो हो रहा है। इजी मेंटेनेंस है, बहुत इजी मेंटेनेंस है प्लांट अक्वेरियम। और इधर भी देख सकते हैं ऊपर से देखिए आपको रेड प्लांट सब दिखेगा, अंदर प्लांट ग्रो हो रहा है। ये वाला रेड प्लांट्स और अच्छे से ग्रो हो रहा है प्लांट्स, ये आपको 10 इयर्स मेंटेन कर सकते हैं। ये भी CO2 है, विदाउट CO2। जो भी सेटअप मैं कस्टमर को बना के देता हूँ, लो मेंटेनेंस, लो टेक, विदाउट CO2। अगर आप CO2 लगाएंगे तो वीकली वंस पानी चेंज करना पड़ता है, तो मैं वो नहीं देता हूँ। अभी देखिए आपके सामने तो प्लांट्स ग्रो हुए हैं विदाउट CO2, इसमें तो कोई नहीं बोलेगा कि इसमें प्लांट्स नहीं है, अच्छे से है ना प्लांट्स ग्रो हो रहा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है। ऊपर से देख सकते हैं आप, ये सब सारे के सारे अच्छे प्लांट्स हैं, सब ग्रो हो रहा है, अच्छा सेटअप बना के देते हैं। अच्छा, अगर इसकी प्राइस अगर आप शेयर करें तो हमारे व्यूअर्स के लिए, इस साइज का कंप्लीट सेट आपको 14,000 पड़ेगा। क्या आता है, लाइट आता है, फिल्टर आता है, वुड आता है, स्टोन आता है, मॉस आता है, रूट टैप्स आता है, स्केपिंग आता है, प्लांट्स आता है और बैक्टीरिया भी लगाता है नीचे से, रूट टैप्स भी डालते हैं, इतने सारे एवरीथिंग मिला के आपको 14,000 पड़ेगा कंप्लीट सेट इस साइज का। और ये बड़ा 2 फीट वाला आपको 16,000 पड़ेगा कंप्लीट सेट, टैंक, लाइट, फिल्टर, वुड, स्टोन, मॉस, प्लांट्स, रूट टैप्स, एवरीथिंग सब मिला के आपको 16,000 पड़ेगा 2 फीट का एक्वेरियम। अगर कोई आर्टिफिशियल पूरा सेट इस तरह का लेना चाहे तो अभी जो है, हाँ ये जो सेट है आपको टैंक आपको 4,800 पड़ेगा और प्लांट 450 का और ये सब 250 आपको, ये सेट आपको 5,500 to 6,000। इसमें भी आपको अच्छे से फिल्टर आएगा, लाइट आएगा, मेंटेनेंस बहुत आसान है। तो और कौन सी आपके पास नॉर्मली बेटा फिश, तो देख लिए हम, बर्ड्स भी देख लिए, टैंक्स, प्लांट टैंक, आपके पास ज़्यादातौर पर आप फ्लावर भी ज़्यादा मिलते हैं बहुत सारे दिनों से मैंने कवर करता रहता हूँ, तो अभी कौन सी फ्लावर है अभी आपके पास? अभी सिर्फ एक पीस लगाए हैं आपके व्यूवर्स के डिस्प्ले के लिए, हमारे पास और भी 20 पीस हैं, 20 पीसेस हैं, थाई सिल्क हैं और दूसरे अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ट्रिपल ग्रेड SRDs, ड्यूअल टोन SRDs, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ये डिस्प्ले के लिए, डेमो के लिए एक पीस लगाए हैं। श्रिंक अभी हेड थोड़ा श्रिंक हुआ है क्योंकि ट्रांसपोर्ट से आया हुआ, 3-4 दिन के बाद इसका हेड और बड़ा होगा और अच्छे दिखेगा। इस साइज़ का फ्लोरॉन, ये 4 इंच का फ्लोरॉन है, इस साइज़ का फ्लोरॉन जनरली मार्केट प्राइस 3,500 रहेगा, जनरली 3,500-3,000 रहेगा, लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए, आपके चैनल की तरफ से जो भी आएगा उनके लिए ये सिर्फ 2,200 रुपीज़ ओनली। ये एक बम्पर ऑफर, स्पेशल ऑफर, दिवाली ऑफर, कौन सी ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, कुछ भी रख लीजिए, ये दे रहे हैं। इस बार 20 पीसेस है, जो 20 कस्टमर्स आएंगे उनको मिलेगा। अच्छा, सिर्फ 20 पीसेस, तो काफ़ी अच्छा है, हेड अभी आया है, छोटे फीचर्स है फिर भी हेड आया हुआ है और इसका पैटर्न एंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी भी जैसा कि हम लोग कहा कि अभी बेटा फीचर्स की अभी अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो इसी तरह ये भी है फ्लावर जो अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, अभी बहुत सारे निकालना बाकी, लेकिन वीडियो के लिए अभी थोड़े बहुत हमने जल्दी जल्दी करके हम एक निकाल के वीडियो ले रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया जो है आपको डिलीवर हो जाएगी, थाई सिल्क है, SRD है, काम्फा है, सारे इनके पास मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर सिटलेट्स भी हैं, सिटलेट्स भी थोड़ी वैरायटी आई हुई है। ये जो सिटलेट्स है आपके पास अभी, ये इसका कितना प्राइस है पर फिश का? सर इधर पैर आपको 250 पड़ेगा, इसमें जनरली नॉर्मल वेराइटीज रहेगा तो आपको 150 पड़ेगा, लेकिन इधर सब अच्छे अच्छे वेराइटीज है, स्ट्रॉबेरी हो जाए या इलेक्ट्रिक ब्लू हो जाए या बाइकर हो जाए या बटरफ्लाई हो जाए, सारे वेराइटीज, ये अच्छे वेराइटीज है, इसका 250 पैर है आपको।
ऊपर भी देख सकते हैं और भी स्टॉक हैं हमारे पास, 250 सिकलेट्स हैं, मोर देन 250 सिकलेट्स हैं, और रेड पैरेट्स है जो ए ग्रेड सिंगापुर के रेड पैरेट्स, वो 1000 का पेयर है अभी ए ग्रेड, मार्केट में मिलता है बी ग्रेड सी ग्रेड वो 650 का, लेकिन हमारे पास नहीं है बी ग्रेड, 13 ईयर्स लाइफ स्पैन है, अच्छे क्वालिटी रखना है, मेरा पॉलिसी वही है। तो ऑस्कर्स देखिए, ऑस्कर्स भी हैं, ऑस्कर्स में ये कौन सी वेरायटी अभी आपके पास? लेमन ऑस्कर और ये टाइगर ऑस्कर है सर। और पेयर कितने में आ रहा है अभी ये? पेयर 750 में आ रहा है। और अभी छोटे से इसके आरोनास भी हैं, आरोना देख सकते हैं यहाँ पर, तकरीबन 6 से 7 इंचेस की है ये आरोनास, ये 1600 का है, ये भी इम्पोर्टेड है? हाँ सर, 100% इम्पोर्टेड। तो जैसा देखा आपने बहुत सारे वेराइटीज फिशेस, अभी नॉर्मल जो वेराइटी है वो भी यहाँ पर है, लेकिन हमने कवर नहीं किया क्योंकि जो नया स्टॉक आया था न्यू ईयर का, जो मतलब कह सकते हो या ईयर एंडिंग कह सकते हो, जो भी यहाँ पर स्टॉक था हमने वो शेयर किया, जो नया स्टॉक आया है इम्पोर्टेड हो एक्सपोर्टेड जो भी हो, फिशेज थी, टैंक्स हो गए, डेकोरेशन हो गया, बर्ड्स हो गए, बेटा फिशेज होगी, फ्लोवन जो नए आए थे उसको हमने कवर किया, जो नॉर्मल है उसको हमने कवर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो पे कवर किया था लास्ट टाइम। तो और कुछ बोलना चाहते हैं गांधी सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स को? कुछ नहीं, सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, जो पूरा पिछले साल जो भी है कोविड की वजह से वो सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो सबका टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दिए थे, इस बार आई फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश एवरीबडी अ हैप्पी न्यू ईयर, और इस साल आप जो नया साल आ रहे हैं आप सबको अच्छे सा वेल्थ दे, अच्छे सा हेल्थ दे, आपका व्यूवर्स को भगवान उनका जो भी इच्छा है वो पूरा कर दे, अच्छे से लाइफ दे, बस जो भी बच्चे देख रहे हैं सिर्फ बच्चे मत देखिए, पढ़िए अच्छे से, नया साल आ रहा है अभी स्कूल जाने वाले हो आप सिर्फ अच्छे से पढ़िए, बस उतना ही है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप हमारा दुकान को आया, आप हर बार ट्रैवल करके इतना दूर, इधर नहीं सिर्फ इधर नहीं बैंगलोर में नहीं, आप मुंबई जाते हो उधर जाते हो ट्रैवल करते हो और वीडियोस करते हो, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आप जितना भी बोले कमी है, आपका सब्सक्राइबर्स के लिए आप बिना पैसे लिए आपके खुद की पैसे से ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो सब लगा के ट्रैवल करके आप जो कर रहे हो इट्स अ रियली आउट ऑफ पैशन आप कर रहे हो, इसीलिए आपको खुशी तो होगा लेकिन यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू। आप जो व्यूअर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो व्यूअर देख रहे हैं अभी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत काम से कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, हैट्स अप टू यू सर, जो भी व्यूअर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हिम, देखिए स्टॉक अगर कुछ चाहिए तो आइए ले लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, थैंक यू, फिर एक नए टॉपिक से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।